किसी ने एक सवाल किया है, नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। किसी ने एक अच्छा सवाल किया है। इस मामले में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, और खास तौर से चूंकि चिट्ठी में तो ख्वातीन की तरफ से, उनके हिसाब से उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह, और मर्दों को भी इंशाल्लाह फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जमात से नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं, घर में होते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है उनके लिए फिर अजान का और वो जमात का शुरू होने का पता चल गया तो पढ़ सकते हैं। वरना बस ये भी होता है कि जब तक अजान नहीं हुई तो लोग इंतजार करते हैं नमाज का। बहुत सारी औरतें कहती हैं असर के बाद, मतलब हम सोना चाहते हैं लेकिन असर 5:30 बजे अजान होती है, 5:15, फिर हम नमाज पढ़ते हैं, मगरिब 6:15 को जाती है। तो अगर असर का वक्त मालूम हो जाए उनको तो कितना अच्छा होगा। अव्वल वक्त मालूम हो गया, क्योंकि औरत के लिए जो घर में नमाज पढ़ रही, बीमार जो घर में, उसके लिए वक्त होना जरूरी है, अजान होना जरूरी नहीं है। तो आइए, उन्होंने सवाल किया कि नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, वो रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। शुरू हो गया तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, अजान उसके लिए जो मस्जिद जाके नमाज पढ़ा जमात से, बीमार, मुसाफिर, इसी तरह औरत जो घर में है, ठीक है, तो वो तो जाहिर सी बात है उनके लिए सिर्फ वक्त होना शर्त है, अजान नहीं। तो अब क्या करना है, वक्त कब शुरू होता है। तो देखिए, फजर का वक्त जो है वो सहर के वक्त के बाद चालू हो जाता है। सहर के वक्त के फौरन बाद फजर के वक्त चालू हो गया, अजान हो सकती है और आप नमाज पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप ट्रेन में हैं, तब काम आएगा आपको, ट्रेन में तब कोई जमात नहीं, कुछ नहीं, आप अकेले हैं। अब आपको पता है कि फजर का वक्त क्या है, जहां आप लोकेशन में आप बहुत आसानी से एंड्रॉइड हैंडसेट में मालूम कर सकते हैं। किसी से पूछिए, नॉन मुस्लिम होंगे तो आप बोल सकते हैं, क़िबले का डायरेक्शन भी दे देंगे आपको, टाइम भी बहुत आसानी नेट से आप कर सकते हैं। बहरहाल आपने वो किया और उनसे पूछ लिया, आपको पता है कि 5:30 बजे हो जाता है, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं कि भाई जमात 6 बजे खड़े होती है औरंगाबाद में, 5:30 बजे हो रहा है, आप उस मसाफत में आप अपनी नमाज बना ले सकते हैं। मरीज है, मरीज को भी अजान की जरूरत नहीं, औरत है, ठीक। तो शुरू कब होता है, सहर का वक्त खत्म हुआ, फजर का वक्त चालू हो गया। तो कब तक होता है, सूरज निकलने तक। तो अव्वल वक्त सहर के बाद से शुरू होता है, आखिर वक्त सूरज निकलने के पहले तक, सनराइज से पहले तक। और अगर सूरज निकलना चालू तो फिर नमाज नहीं होती, याद रखिए, जब डूबना चालू होगा तो नमाज नहीं होती, जब तक कि पूरा निकल ना जाए या पूरा डूब ना जाए। हो गया। जोहर का वक्त कब चालू होता है, अव्वल जोहर का अव्वल वक्त चालू होता है सूरज जब सेंटर में आ जाए, इसको बोलते हैं जवाल, सेंटर से वो मगरिब डूबने की तरफ चला जाए, सेंटर से मगरिब डूबने की तरफ चला जाए, समझ रहे बात को, तो शुरू हो गया जोहर का अव्वल वक्त। समझ, सेंटर से हट गया, जवाल से हट गया और मगरिब डूबने की तरफ जा रहा है, अब डूबने की सिम में थोड़ा भी हट गया तो ये चालू हो गया अव्वल वक्त, किसका, जोहर का। अजानी हो सकता है 1 बजे होती होंगी, 1:15 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, लेकिन अव्वल वक्त शुरू हो गया, जो कि सर्दियों के अंदर 11:40 से शुरू होता है और गर्मियों के अंदर हाइएस्ट जो है 12:30, 12:35 तक जाता है। हर इलाके का अलग होता है, मैं औरंगाबाद के अतबार से एक जनरल बात कर रहा हूँ, आप टाइम टेबल ले लें, उसमें आपको सब मिल जाएंगे। हो गया। एक असर का वक्त कब चालू हो जाता है, असर का वक्त चालू कब होता है, मतलब जोहर का वक्त खत्म हो जाता है तब। असर का वक्त चालू होता है जब सूरज जो है इतना ढल जाए मगरिब की तरफ कि चीजों का साया उसकी असल लेंथ से ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप एक पेन रख दीजिए, पेन की हाइट है 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच। अब आप देखिए साया कितना है, अगर साया 5 इंच का है तो असर का वक्त नहीं हुआ, अभी 5 से ज्यादा हुआ, एक लाइन मारी, पेन को आड़ा डाली तो आपको पता चले आगे आ गया साया, मतलब असर का वक्त चालू हो गया। बहुत आसान है, कुछ उसमें तकलीफ नहीं। असर का अव्वल वक्त चालू होता है सूरज इतना मगरिब की तरफ चला जाए कि चीजों का साया उसकी असल से बढ़ जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, ये हुआ असर का अव्वल वक्त, मतलब जोहर का आखिरी वक्त। मिल गया आपको। असर का वक्त कब तक होता है, सूरज डूबने तक। सूरज डूबना चालू होगा तो फिर नमाज नहीं होगी जब तक सूरज डूबना जाए, याद रखें, निकलते और डूबते वक्त नमाज नहीं होती और जवाल बीच में जब जरा। तो अब ये टाइम चलेगा आपका सूरज डूबने तक। मगरिब का अव्वल वक्त कब होता है, सूरज जो ही अंदर चला जाता है तो सहर का इफ्तार का वक्त भी हो जाता है और मगरिब का वक्त भी हो जाता है, ये मगरिब का अव्वल वक्त। अब मगरिब का वक्त कब तक होता है, तो मगरिब का वक्त याद रखें शफक जब तक होती है, होराइजन जो होता है ना, जहाँ जमीन आसमान मिलते हुए दिखते हैं, वहां जब सूरज डूब जाता है, एक ट्वाइलाइट जैसा होता है, हल्की हल्की रोशनी, लाल शफक बोलते हैं उर्दू में, जब तक वो होती है तब तक होता है, जो गोया तकरीबन हिंदुस्तान के इलाकों में 30 से 35 से 45 मिनट तक जाती है, उससे ज्यादा नहीं, इसलिए यहाँ मगरिब को फौरन खड़े कर देते हैं, टाइम नहीं होता, कम होता है, कुछ इलाकों में 1-1 घंटा, 1.25 घंटे तक होता है वो टाइम, हमारे पास थोड़ा सा कम होता है वो टाइम। तो ये हुआ टाइम। ईशा का वक्त कब चालू होता है, तो ईशा का वक्त जो है, अब चूंकि ईशा के वक्त में मसला ये है कि उसके लिए आपको टाइम मालूम होना चाहिए, इसलिए कि अब सूरज डूब गया है, अब अंदाजा सूरज से नहीं गेस कर सकते आप, तो मगरिब होने के बाद एक आम सूरत में हम जिस इलाकों में रहते हैं, हर इलाके वाले को टाइम टेबल देखना चाहिए, आम एतबार से 1 घंटा 20 मिनट या उससे जायद के बाद ईशा का वक्त चालू हो जाता है, और कभी 1:10 होता है, 1 घंटा 10 मिनट, 1:20, लेकिन इतने में ईशा का वक्त उसके बाद फिर आपका चालू है, जैसा कि आजकल ईशा का वक्त चालू हो रहा है 8:30, मगरिब हो रही है 7:11 पर, तो 8:30 पर जो है ईशा का वक्त चालू हो रहा है, जो कि तकरीबन कम बेच जो है ये 8:10, 1 घंटा 20 मिनट के करीब देखे जा रहा है दिनों के अंदर, ठीक। और सर्दी के अंदर 1 घंटा 10 मिनट तक हो जाएंगे, कम होता है थोड़ा सा, ठीक। तो आप उससे अंदाजा लगा ले सकते हैं कि ये ईशा का टाइम हमारे इलाके में, मुख्तलिफ इलाकों में एंड्रॉइड हैंडसेट में आप देख ले सकते हैं कि उसके अंदर ईशा का वक्त क्या, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, आप सेट कीजिए, मिल गया। तो ये हुआ
शुरू का टाइम और हर नमाज का आखिरी वक्त इस नमाज का अव्वल वक्त होता है। ठीक, तो अब आपको अजान के लिए रुकने की जरूरत नहीं। जो लोग जमात से नहीं पढ़ सकते, बीमार, मुसाफिर और औरतें, अजान की रुकती है। बहुत सी बार देखिए औरतें ये दिनों में असर के लिए रुक रही है 5:15 बजे, जबकि औरतों को जमात से नमाज नहीं पढ़ना है। और असर इन दिनों के अंदर तकरीबन 3:54 या 3:50 के करीब हो जाती है। आप देखिए फिर भी टाइम एग्जैक्टली, मैं चूंकि आज का नहीं जानता हूँ क्या टाइम था, लेकिन आप देखिए टाइम टेबल में, तो आप देखिए माशाल्लाह अगर ये टाइम असर पढ़ लेती हैं वो 4 बजे फ्री हो जाती हैं। 4 बजे से लेकर 7:15 तक टाइम है उनके पास, तो आराम भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। आप 5:15 तक रुकेंगे क्योंकि उनको जमात नहीं है ना, जमात से जो पढ़ रहे तो फिर तो अजान का इंतजार है, फिर जमात को जाना है। ठीक है, लेकिन मुसाफिर, बीमार और औरतों के लिए चूंकि ये नहीं है, तो वो नमाज के अव्वल वक्त होते ही अजान हो ना हो वो अपनी नमाज शुरू कर दे सकते, इसलिए कि अजान मस्जिद के लिए और जमात से नमाज के लिए। और जिस इलाकों में अजान अव्वल वक्त में होती है तो फिर उनको अजान का इंतजार, जैसा सऊदी अरब में आप जाएंगे तो अव्वल वक्त अजान होती है, तो जाहिर सी बात है वहां तो मैं कहूंगा अजान के मुताबिक नमाज पढ़ी, लेकिन हिंदुस्तान में अव्वल वक्त में नहीं होती, तो लिहाजा यहाँ अक्सर जगह अव्वल के बाद दूसरा पहर या तीसरा, मतलब उसका टाइम का जो आखिरी स्लॉट होता है, तो लिहाजा फिर हम जो है अजान नहीं बल्कि टाइम टेबल देखें, वक्त हो गया ये आप नमाज जो है खड़ी कर सकते हैं।